एलसी ऑसिलेशन में हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, एलसी ऑसिलेशन में हमने इंडक्टर लेते हैं और एक कैपेसिटर लेते हैं और नीचे एक बैटरी लेते हैं। हम क्या करते हैं कि अभी इंडक्टर को साइड पर रखो, सिर्फ एक कैपेसिटर लो पहले, उस कैपेसिटर को बैटरी के साथ फुली चार्ज कर दो। कैपेसिटर फुली चार्ज है, बैटरी को उठा के फेंक दो, कैपेसिटर फुली चार्ज है, अब उसकी प्लेट्स के साथ इंडक्टर लगा दो, तो कैपेसिटर अपना चार्ज रिलीज करेगा किसके थ्रू, इंडक्टर के थ्रू, इंडक्टर में करंट इंक्रीज करेगा। तो इस सिचुएशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया, आपने कैपेसिटर लिया, इसको दबाना नहीं अभी, ओपन रहने दो, तो इसको दबा दो, इसको दबाओगे कैपेसिटर बैटरी कनेक्टेड हो गए, कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, इसको ऑफ कर दो, कैपेसिटर फुली चार्ज है बैटरी हट गई, इसको ऑन कर दो, अब कैपेसिटर एल आपस में कनेक्टेड है। तो जब ये कनेक्टेड है तो कैपेसिटर फुली चार्ज है, कैपेसिटर को रास्ता मिल गया चार्ज को बाहर निकालने का, कैपेसिटर बाहर चार्ज निकालेगा, बाहर निकालेगा, डिस्चार्ज होगा, जब डिस्चार्ज होगा तो करंट की वैल्यू चेंज होगी इंडक्टर में, इंडक्टर का ऐसे कैसे हो गया, मैं अपने अंदर इंड्यूस करंट पैदा करूंगा, इंड्यूस ईएमएफ। तो इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि इंडक्टर का करंट आ गया, इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होनी स्टार्ट हो गई। कैपेसिटर में कौन सी एनर्जी थी इनिशियली, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इंडक्टर पहले खाली था, जब डिस्चार्जिंग स्टार्ट हुई इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैपेसिटर की कम होनी स्टार्ट हो गई और मैग्नेटिक एनर्जी बढ़नी स्टार्ट हो गई। फिर एक टाइम आया कैपेसिटर बिल्कुल खाली हो गया, सारी एनर्जी किसके पास है, इंडक्टर के पास, इन दी फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। एज्यूमिंग की कोई एनर्जी का लॉस नहीं है पूरे सर्किट में, वैसे होता है प्रैक्टिकली पर मान लो इसमें है नहीं। अब एनर्जी किसके पास है, मैग्नेटिक इंडक्टर के फॉर्म में। अब इंडक्टर कहेगा यार मेरा करंट चेंज होना स्टार्ट बंद हो गया, एकदम जीरो कैसे हो गया, मैं होने नहीं दूंगा, उल्टी ईएमएफ जनरेट कर लेगा। तो पहली ईएमएफ क्या करती थी, कैपेसिटर को खाली करती थी, अब उल्टी ईएमएफ क्या करेगी, कैपेसिटर को भरना स्टार्ट कर देगी, तो वही चार्ज निकल के वही करंट निकल के किस में पास हो जाएगा, कैपेसिटर में। अब कैपेसिटर की एनर्जी बढ़नी स्टार्ट होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक एनर्जी कम होनी स्टार्ट हो गई, अब फिर मैग्नेटिक एनर्जी बिल्कुल खाली हो जाएगी, फिर से कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, अब कैपेसिटर फिर से डिस्चार्ज होगा और अपनी एनर्जी किसको देगा, इंडक्टर को। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी मूव करती जा रही है, कभी कैपेसिटर कभी इंडक्टर, कभी कैपेसिटर कभी इंडक्टर, एनर्जी कंजर्वेशन। तो इसको बोलते हैं एनर्जी ऑसिलेट कर रही है, एलसी ऑसिलेशंस। और एक सेकंड में कितनी बार एनर्जी घूम जाती है, ऑसिलेट करती है, 1/2π√LC रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की इक्वल वैल्यू आती है। अगर एनर्जी का लॉस नहीं है तो एनर्जी का एम्पलीट्यूड हर बार क्या रहेगा, सेम, और अगर लॉस है, डैम्पिंग है, तो एनर्जी कम कम होती होती सर्किट से उड़ जाएगी और क्या हो जाएगी, जीरो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इतनी स्टोर होगी कैपेसिटर में और इंडक्टर की एनर्जी इतनी स्टोर होगी, ये पता होना चाहिए। ये तो एक थ्योरी का टॉपिक हुआ कि हाँ ऐसा 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 होता है, इतना ही आता है। बट अगर हम इसको और डिटेल में देखें, डायग्राम बहुत बढ़िया डायग्राम है, इसके अंदर एक्चुअल फिनोमेना सही बता रखा है। ये कैपेसिटर और ये इंडक्टर, शुरू में कैपेसिटर फुली चार्ज और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, इंडक्टर के पास कुछ नहीं। फिर क्या हुआ, कैपेसिटर बिल्कुल खाली, इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, मैग्नेटिक एनर्जी, कहाँ, नीचे की तरफ। फिर इंडक्टर खाली और कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, उल्टा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, उल्टा चार्ज होगा। फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा और मैग्नेटिक एनर्जी फिर से, पहले मैग्नेटिक एनर्जी नीचे थी, लाइंस नीचे थी, मैग्नेटिक फील्ड नीचे था, इस बार फील्ड ऊपर है। अब इंडक्टर अपनी एनर्जी फिर इसे देगा, अब कैपेसिटर फिर से वैसा ही होगा जैसे पहले था। तो अगर आप कैपेसिटर की सिचुएशन देखो, कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जीरो, ऊपर जीरो, नीचे, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। अगर आप इंडक्टर को देखो, जीरो नीचे, जीरो ऊपर, जीरो नीचे, अगला स्टेप नीचे होगा। तो चलो स्टार्टिंग पॉइंट किया जीरो से जीरो, और इसको कंपेयर किया गया विद स्प्रिंग मास सिस्टम, कह रहे स्प्रिंग मास सिस्टम भी ऑसिलेशंस का पार्ट था। तो मान लेते हैं कि पहले आपने स्प्रिंग के साथ मास लगा के कोने में ले गए एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो इसमें कौन सी एनर्जी भर गई, स्प्रिंग एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इमेजिन करो स्प्रिंग मास सिस्टम में कौन सी एनर्जी भरी हुई है, हाफ के एक्स स्क्वायर, और वो इक्वलेंट है इसमें कैपेसिटर की एनर्जी के इक्वल। तो स्प्रिंग मास सिस्टम में स्प्रिंग की एनर्जी और कैपेसिटर की एनर्जी एक ही बात है। आप इसे रिलीज कर दो मास को, ये मीन पोजीशन पे आएगा, क्रॉस करेगा विद सम वेलोसिटी वी मैक्स। तो अब सारी स्प्रिंग की एनर्जी खत्म हो गई मीन पे, और कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी। तो मैग्नेटिक एनर्जी इज इक्वलेंट टू काइनेटिक एनर्जी, और स्प्रिंग एनर्जी जीरो का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जीरो। फिर स्प्रिंग ने दबा दिया इसे, फिर से स्प्रिंग एनर्जी,
लेकिन इस बार उल्टा दबा दिया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी उल्टी और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जीरो, तो ये एनर्जी जीरो। फिर स्प्रिंग फिर मीन क्रॉस करेगा, फिर काइनेटिक एनर्जी उल्टी तरफ, डायरेक्शन उल्टा, और स्प्रिंग एनर्जी जीरो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जीरो। तो आप समझ पा रहे हैं इस पूरे सिस्टम को कैसे कंपेयर किया विद स्प्रिंग मास सिस्टम। तो इसको और अगर डिटेल में करना है मैथमेटिकली तो आपकी शीट ओपन करें। तो हैंड रिटन शीट के अंदर अगर आप इसकी कैलकुलेशन देखें तो ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर, कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हुआ बोलो, क्यू बाई सी। इंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी डेवलप हुई, माइनस एल डी आई बाई डी टी। किरचॉफ लॉ का कहता है नेट ईएमएफ दोनों मिला के क्या आएगा, जीरो। तो क्यू बाई एल की वैल्यू ये आ गई। अब क्योंकि चार्ज कैपेसिटर का डिक्रीज हो रहा है तो करंट को क्या लिखेंगे, माइनस डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि चार्ज कम हो रहे हैं तो रेट ऑफ चार्ज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज डिक्रीजिंग, तो नेगेटिव। तो इस आई को उठा के यहाँ पुट कर देते हैं तो ये टर्म आ गई। यहाँ से डी आई बाई डी टी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, यहाँ से डी आई बाई डी टी आ गया। इस डी आई बाई डी टी को उठा के यहाँ पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, क्यू बाई सी। तो क्यू बाई सी इसके इक्वल आ गया, तो डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये टर्म आ गई। इसको अगर कंपेयर करेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम के साथ तो स्प्रिंग मास सिस्टम में ये इक्वेशन थी और ये इक्वेशन SHM में थी क्योंकि एक्सेलेरेशन होती है, एक्सेलेरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो जो काम स्प्रिंग मास सिस्टम में एक्स कर रहा है वो काम इसमें क्यू कर रहा है, जो काम इसमें एक्स कर रहा है वो क्यू कर रहा है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है, इसमें चार्ज मूव कर रहा है, राइट। तो चार्ज किस में है, SHM में। नेक्स्ट है, इसे कंपेयर कर लें तो ओमेगा स्क्वायर इसके इक्वल है तो ओमेगा की वैल्यू 1/LC का अंडर रूट, तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गई। मैंने ऊपर थ्योरी में बताया था, थ्योरी में कि हाँ ये फ्रीक्वेंसी होती है, पर इस बार मैंने मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया कि ये फ्रीक्वेंसी कैसी होती है। ये NCERT के अंदर नहीं आएगा, प्रूफ नहीं आएगा, सिर्फ समझाने के लिए आपको कि कैसे कैलकुलेशन की गई, राइट। जैसे अगर आप इस SHM की इक्वेशन को याद करें प्लस वन में, तो x की इक्वेशन क्या होती थी, x की इक्वेशन a sin ओमेगा t या a cos ओमेगा t। ऐसे ही अगर आप इस चार्ज की इक्वेशन को लिखें तो आप ऐसा लिख सकते हैं q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, या फिर q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, कुछ भी हो सकती है। तो जैसे उसमें x SHM में था, पीरियोडिक था, इसमें चार्ज पीरियोडिकली चेंज होगा। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन आया हुआ है मेंस या नीट में, वो इसमें से आया है। क्या आया, कंपेरिजन के ऊपर, स्प्रिंग मास सिस्टम और LC ऑसिलेटर को, ऑसिलेशन को कंपेयर करो। जो काम स्प्रिंग मास सिस्टम में एक्स करता था वो काम इसमें चार्ज करता है। जो काम इसमें वेलोसिटी करती थी dx बाई डी टी, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, चार्ज, तो dq बाई डी टी क्या है, करंट। तो जो काम v करता है वो काम इसमें करंट करेगा। ये आपकी SHM की इक्वेशन है स्प्रिंग मास सिस्टम की। LC ऑसिलेशन में चार्ज की जगह, एक्स की जगह क्या पुट कर दें, चार्ज। इसमें ओमेगा क्या आता था, रूट के बाय एम, इसमें ओमेगा क्या है, 1/√LC। नेक्स्ट, इसमें SHM की इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी या ए कॉस ओमेगा टी, उसमें चार्ज की इक्वेशन क्यू नॉट साइन ओमेगा टी या क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। इसमें SHM में फॉर्मूला होता था वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी ओमेगा इंटू √A² - X² ए फॉर एम्पलीट्यूड। इसके अंदर वी की जगह आए, एक्स की जगह क्यू, ओमेगा की जगह ओमेगा, एक्स की जगह क्यू, और ए की जगह मैक्सिमम चार्ज को क्या लिखेंगे, क्यू नॉट। नेक्स्ट है, इसके अंदर SHM की इक्वेशन थी a इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहाँ पर a की जगह आ जाएगा डी आई बाई डी टी और x की जगह आएगा q। इसमें जो काइनेटिक एनर्जी काम करती थी आज डिस्कस किया, यहाँ पर मैग्नेटिक काम करेगी हाफ li स्क्वायर। जो इलेक्ट्रोस्टैट, जो स्प्रिंग एनर्जी काम करती थी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी काम करेगी, और तभी तो एनर्जी कंजर्वेशन में दोनों वैल्यूज एग्जैक्टली सेम है। इसमें टोटल एनर्जी का सम कॉन्स्टेंट है, इसमें भी टोटल एनर्जी का सम कॉन्स्टेंट है। जो काम इसमें मास करता है वो काम इसमें एल करता है, जो काम इसमें 1/K करता है वो काम इसमें सी करता है। कंपैरिजन याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कोई ना कोई, कंपैरिजन से निकलेगा आंसर।